हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 31 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो पढ़ते हैं आज के बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी नजीब मिकाती। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, पीएम बन गए हैं, कहाँ के? तो लेबनान के। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब लेबनान से संबंधित सभी जानकारी देख लेते हैं। तो लेबनान की अगर कैपिटल की बात करें, ठीक है, कैपिटल तो ये क्या है? तो बेरूत है। लेबनान की करेंसी क्या है? तो करेंसी है लेबनानी पाउंड, ठीक है। अब लेबनान के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए मिचेल आउन है, ठीक है, मिचेल आउन। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती, ठीक है, नजीब मिकाती। और पहले कौन थे? तो साद हरीरी थे, ठीक है, साद हरीरी, जिनकी जगह अब ले लिए हैं नजीब मिकाती जी, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये किसने लिखा है माई लाइफ माई मिशन को? तो ये बाबा रामदेव ने लिखा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने करा दिया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एयरफोर्स एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड, ठीक है, लेखक से रिलेटेड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कांजीवरम सिल्क साड़ी किस राज्य का जीआई उत्पाद है, यानी जो जीआई प्रोडक्ट है तो ये किस राज्य का है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इज़ द राइट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग, ठीक है, या जो जीआई उत्पाद जो है, जीआई प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो कांजीवरम सिल्क साड़ी है, तो ये किस राज्य में, किस राज्य का जीआई टैग मिल गया है? तो तमिलनाडु का, ठीक है, ये तमिलनाडु का है, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, तो ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो 1999 एक्ट के अंतर्गत आता है। बात कर ले कब से ये लागू हुआ, तो देखिए 15 सितंबर से, ठीक है, 15 सितंबर सन 2003 से ये लागू हुआ, ठीक है। और ये जो जीआई टैग है, ये जिस भी प्रोडक्ट को मिलता है ये 10 साल के लिए हो जाता है, ठीक है, 10 साल के लिए ही मिलता है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, यानी भौगोलिक संकेतक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे कब मनाया जाता है, यानी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिवस है, ठीक है, यहाँ पर दिवस लिख लीजिएगा। तो ये कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 27 जुलाई को। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए अभी हाल ही में मनाया गया है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ डे, तो ये अभी कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए जो डे मनाया गया है वो 83वां डे मनाया गया है, ठीक है, यानी 83वां दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में सभी जानकारी। तो देखिए सीआरपीएफ जो है, इसकी स्थापना की अगर बात कर लें, एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, तो देखिए इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 27 जुलाई, जैसा कि 27 जुलाई को मनाया ही जाता है, 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात कर लें तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगर बात कर लें कि इसके स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, तो आनंद प्रकाश महेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो इसका मोटो है, मोटो क्या है, ठीक है, मोटो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, ठीक है, याद रखेंगे, सेवा और निष्ठा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 27 जुलाई याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है और संसद को निलंबित कर दिया है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्यूनीशिया, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ट्यूनीशिया, ठीक है, याद रखेंगे ट्यूनीशिया को इस क्वेश्चन से। अब देखिए प्रधानमंत्री को तो बर्खास्त कर दिया है और संसद को निलंबित कर दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, जो डिफेंस एग्जाम होगा उसके लिए। अब देखिए बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया की अगर बात करें कि कैपिटल क्या होती है,
तो देखिए जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, तो तूनिस होती है, ठीक है, तूनिस याद रखेंगे। जो तूनिस होती है वो ट्यूनिशिया की राजधानी होती है। और लैंग्वेज की अगर बात कर लें कि लैंग्वेज क्या होती है यहाँ ट्यूनिशिया राज्य, जो ट्यूनिशिया देश है, ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है वो अरबी होती है, ठीक है, अरबी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो देख लीजिए करेंसी भी तो ये पाउंड होती है, ठीक है, सॉरी दिनार होती है, ठीक है, याद रखेंगे दिनार, ठीक है, दिनार जो है यहाँ की करेंसी है यानी मुद्रा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए ट्यूनिशिया जो है, ठीक है, ये किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में सिचुएटेड है, तो ये भी आपका बनता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये सिचुएटेड है यानी स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा है, यानी स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, तो किस राज्य ने रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य ने अभी जितने भी किसान हैं, ठीक है, जो भी फार्मर हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है, किसके लिए, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा है यानी घोषणा कर दी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए जितने भी उनके बच्चे हैं, ठीक है, कर्नाटक राज्य में जितने भी किसान हैं फार्मर्स हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, ठीक है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, तो हाल ही में किस देश में वैश्विक शिक्षा का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, लंदन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, तो लंदन को इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।